अब मैं बना रही हूँ कड़ी, आटा लगा लिए और बनाइए साथ में बेसन की मिर्ची। कड़ी हिला रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय राजस्थानी फैमिली ब्लॉग। और अब मैं ऊपर आई हूँ, वीडियो एडिट कर रही थी इसलिए ऊपर आई थी। फिर कपड़े वगैरह सारे समेटे हैं और प्रज्ञान और काव्या, आज काव्या भी दोनों ही सो गए। काव्या कभी भी नहीं सोती है दोपहर को, उसको भी नींद आ गई है, वो भी अभी सोई हुई है। और हाँ, मैं आपको क्या बता रही थी कि आज ना प्रज्ञान चला था, उसने 4-5 कदम अपने आप चला था बिना सहारे के, वरना वो सहारा लेके तो चल लेता है, फटाफट चल लेता है, लेकिन बिना सहारे के आज चला था। 4-5 कदम रखे थे लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं वीडियो चालू स्टार्ट ही किया था कि वो बैठ गया और फिर वापस नहीं चला। कितनी बार खड़ा किया मम्मी जी ने, कोई चीज़ दे के ऐसे खड़े कर रहे थे लेकिन वो नहीं चल रहा था, बैठ रहा था, बैठ के फिर ले रहा था चीज़ लेकिन चल नहीं रहा था अपने आप। और जब अब की और चलेगा तो कोशिश करूँगी कि वीडियो बन पाए। और आज मैंने पहनी है लेरिया वाली, ये जोड़ है लेरिया वाला, वो पहना है। और अब मैं जाऊँगी, नीचे जाऊँगी और अब शाम का काम वगैरह करेंगे, चाय वगैरह बनाएंगे, फिर झाड़ू वगैरह निकालेंगे और शाम का खाना वगैरह बनाएंगे। और आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि अब मैं क्या क्या करती हूँ। अब मैं बना रही हूँ शाम की 4 बजे की चाय, 4 बज चुके हैं इसलिए। और ये कैमरा थोड़ा सा धुंधला हो गया है इसे चाय की पाप की वजह से। और चाय बनाई और मम्मी जी ने पी थी कि थोड़ी देर के बाद में सौरभ जी पानी पूरी लेकर आ गए थे, फिर पानी पूरी खाई बैठ के तीनों को। और काव्या सो गई थी, उसको नींद आ गई थी, सौरभ जी ने बोला काव्या कहा मैंने, फिर वो मम्मी जी ने बोला वो तो सो गई है, तो उसके लिए तो थोड़े सेक रखे और हम सब ने पानी पताशे खाए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे पानी पताशे। बस सोई थी काव्या काव्या उठी है, अब पानी पूछ के खा रही है। अभी नींद में ही है। क्या खा रही है प्रज्ञान? उठ गया है और ये उठते झूले में सीधा खड़ा होता है। काव्या को तो उठाया था पानी पूरी खाने के लिए लेकिन इसने खाई नहीं पानी पूरी, एक ही खाई मुश्किल से। फिर इसको मम्मी जी चलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये चल नहीं रहा है, खड़ा हो जाता है फिर वापस बैठ जाता है। और अब कर रही हूँ शाम के बर्तन वगैरह करेंगे दूध के, चाय वगैरह के। और दूध गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया है और काव्या के पापा आ गए थे, फिर खाना बनाया। और प्रज्ञान झूले में झूले खा रहा है और मैं खाना बना रही हूँ। अब काव्या के पापा ने तो खाना खा लिया है और थोड़ी कम लगी थी रोटी, इसलिए 4-5 रोटी का आटा और लगाया है और थोड़ी देर छोड़ दी आटा लगा के इसलिए। और फिर पानी भरा और थोड़ी देर बैठती हूँ, हवा खा लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो
क्योंकि इतने दिन तो बारिश हो चाहे मत हो, गर्मी तो एक जैसी ही पड़ रही है पहले और यहाँ पे भी बीकानेर में 4-5 दिन से तो बारिश है भी नहीं वैसे भी, लेकिन फिर भी बारिश होती थी तब भी गर्मी थी और अभी भी गर्मी है। ऐसे बाहर तो नहीं लगती इतनी, बता कि पंखे वगैरह चलते रहते हैं कूलर, लेकिन किचन में लगती है गर्मी बहुत ही ज़्यादा। और अब हवा वगैरह तो खा लेती हूँ थोड़ी देर, फिर बच्चों की रोटियाँ खाती हूँ, फिर किचन से फ्री हो जाएंगे। अब प्रज्ञान अंदर मम्मी जी गैलरी में गैलरी में झाड़ू निकाल रहे हैं, तो प्रज्ञान कह रहा है मैं भी बाहर जाऊंगा, इसलिए चिल्ला रहा है ज़ोर ज़ोर से क्योंकि मम्मी जी सौरभ जी दोनों बाहर हैं, इसलिए ये बाहर जाने के लिए कर रहा है। प्रज्ञान के बाहर जाऊँ छोले भी जो दिए हैं, सुबह आलू छोले की सब्जी बनाएंगे और किचन का काम भी हो गया। प्रज्ञान को दूध बिस्किट खिलाऊंगी। अब मैं ऊपर आ गई हूँ, खाना वगैरह खा लिया मैंने, मम्मी जी ने तो खा लिया, अभी सौरभ जी ने नहीं खाया खाना, वो गए मॉल और प्रज्ञान को साथ में लेकर गए कुछ सामान लेने के लिए, और काव्या मेरे साथ ऊपर ही आई है खेल रही है। प्रज्ञान आने से पहले कूलर भर लेती हूँ। अब प्रज्ञान आ गया मॉल से चाचू के साथ में जाकर, और सौरभ जी ने खाना वगैरह खा लिया और मैं प्रज्ञान को ऊपर लेकर आई हूँ, और प्रज्ञान और पापा दोनों खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं दोनों साथ में, और ये बार बार गद्दे पे सो रहा था फिर उठ रहा था खेल रहा था। और आज का वीडियो यहीं तक है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।